भारतीय सभ्यता सारे विश्व में गौरवशाली है। ऐसे भारतवर्ष में अनेक अलौकिक संत हुए हैं जिन्होंने अपनी अद्भुत लेखनी और दोहों द्वारा भक्ति मार्ग का पाठ पढ़ाया। उनकी लेखनी का अर्थ सही मायने में तो हम श्री माता जी के कारण ही जान पाए हैं। तो आइए सुनते हैं पुणे बाल शक्ति द्वारा संत महिमा संत गाथा बताने का एक छोटा सा प्रयास। जय श्री माता जी। मेरा नाम चैतन्य सिंह है और आज मैं आप लोगों को संत कबीर जी के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ, जो श्री माता जी ने भी हमें बताया है। अरबी भाषा में कबीर का अर्थ है महान। ऐसे महान व ज्ञानी पुरुष का जन्म 1455 यानी आज से लगभग 600 साल पहले काशी बनारस में हुआ था। काशी के उत्तरी घाट में लहरतारा तालाब में एक कमल के पुष्प में यह बालक मिले थे। बालक के आते ही पूरा तालाब ज्योतिमय हो उठा। इनके पिता का नाम नीरू व माता का नाम नीमा था। वे कपड़े बुनाई का कार्य करते थे। नन्हे कबीर भी कपड़े बुनते थे। धागा बुनते बुनते उनका मन अपने अंदर ही चला जाता और वे अपने अंदर ही ईश्वर को ढूंढते रहते। वे हर समय एक सच्चे व सुलझे समाज के बारे में सोचते और फिर अपने पिताजी से एक प्रश्न पूछते कि लोग मंदिर व मस्जिद क्यों जाते। परंतु उनके पिताजी जवाब टालते और कबीर को कपड़े बुनने के लिए कहते। जब भी कबीर जी काशी के घाट पे जाते और आसपास की दुनिया देखते तो उन्हें हर जगह ढोंगी व पाखंडी लोग अपने गलत कहानियों का प्रचार करते हुए देखते और लोग भी ऐसे अंधविश्वासी कहानियों को सच मान रहे थे। वे अपने तंत्र मंत्र तथा गंदे ताबीज भोली भाली जनता को देके उनसे धन व आभूषण लूट रहे थे। संत कबीर जी ने समाज में फैले हुए अंधविश्वास को रोकने के लिए जगह जगह घूमे। वे जहाँ भी जाते थे अपने दोहों को सुना के उनका अर्थ समझाते थे। सच्ची राह पर चलना, परमेश्वर का चिंतन करना मनुष्य के जीवन का यही अर्थ है। वे अपने दोहों के द्वारा यह भी बताते थे कि आत्म साक्षात्कार को पाके ध्यान करना, जैसे कि शून्य शिखर पर अनहद बाजे अर्थात सहस्त्रार पे चैतन्य की अनुभूति होना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परमय परले आएगा बहुरी करेगी कब, अर्थात हमें परमात्मा को प्राप्त करने में तनिक सी भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े ही घोर परिश्रम के बाद हमको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। कस्तूरी कुंडल बने बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही, अर्थात इस दोहे के द्वारा उन्होंने कहा है कि हर एक मनुष्य के अंदर भगवान का वास होता है। जैसे कि जो हिरण होता है उसके नाभि यानी कि कुंडल में अमृत होता है और उस अमृत की जो सुगंध होती है पूरे वन में छाई होती है, परंतु फिर भी यह हिरण उस अमृत को ढूंढने के लिए वन वन भटकता है। ऐसे ही हर एक मनुष्य के अंदर भगवान का वास होता है, परंतु फिर भी यह मनुष्य भगवान को ढूंढने मंदिर मस्जिद तथा तीर्थ स्थानों पर जाता है। इस दोहे में उन्होंने बताया, उन्होंने कुंडल यानी कि कुंडलनी का भी वर्णन किया है। श्री माता जी बताती थी कि उन्होंने कुंडलनी को सुरती नाम से बताया है। ईड़ा पीड़ा सुखमन भावे, इस दोहे में तो उन्होंने हमारी तीन नाड़ियाँ ईड़ा पिंगला व सुषुम्ना नाड़ी का ही वर्णन कर दिया है। वे माँ की बहुत भक्ति करती थी। श्री माता जी ने बताया है कि उन्होंने अपने दोहों के द्वारा पूरा सहयोग समझाया है। जय श्री माता जी। नामदेव कीर्तन करी
उड़े नाचे देव पांडुरंग। जी हाँ, संत नामदेव जी, जिनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो कीर्तन करते थे तो स्वयं देव पांडुरंग नृत्य करते थे। संत नामदेव जी का जन्म सन 1270 में महाराष्ट्र के सातारा जिले के नरसिंह बामनी गांव के एक दर्जी परिवार में हुआ था। पिता दामाशेट और माता गुनाई दोनों ही श्री विठल जी के भक्त थे। संत नामदेव जी को विठल भक्ति विरासत में मिली थी। 2 वर्ष की आयु में जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सर्वप्रथम उनके मुख से विठल नाम का उच्चारण हुआ। बचपन से ही उनका श्री विठल जी के साथ यह अटूट रिश्ता हमें इस व्याख्यान में देखने को मिलता है। जब वह छोटे थे तो एक बार उनकी माता ने उन्हें श्री विठल जी को भोग चढ़ाने के लिए दूध दिया, तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से उनको वो भोग चढ़ा दिया। परंतु उन्होंने देखा कि दूध तो वैसे का वैसा ही रखा हुआ था। बालक नामदेव जी ने सोचा कि जरूर मेरे अपराध के कारण ही विठल दूध नहीं पी रहे हैं। वह रोने लगे और उन्होंने बड़े ही दीनता से श्री विठल जी से प्रार्थना की कि अगर आपने दूध नहीं पिया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि उनके लिए तो वह सिर्फ एक मूर्ति नहीं स्वयं देव पांडुरंग थे। बालक के भोलेपन और प्रेम को देखकर स्वयं श्री विठल जी प्रकट हुए और उन्होंने उनके हाथों से दूध पिया। ऐसी थी उनकी विठल भक्ति। उनकी माता व उनकी पत्नी चाहती थी कि वह कुछ काम करें, परंतु उनका मन तो सिर्फ हरि कीर्तन में ही लगता था। नाचो कीर्ति नाचे रंगी, ज्ञान दीप लाहो जागी। अर्थात कीर्तन की धुन में ही नाचते हुए दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाना ही उनका जीवन का लक्ष्य था। उन्होंने ब्रह्म विद्या को सुलभ बनाकर अपनी कविता द्वारा लोगों तक पहुंचाया। संत नामदेव जी ने लगभग 2500 अभंगों की रचना कर महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक हरि नाम की वर्षा की। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जात पात के बारे में वह लोगों को जागरूक करना चाहते थे। उन्होंने पंजाबी में भी कई पदों की रचना की है, जिसे श्री गुरु अर्जन देव जी ने भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया है। संत नामदेव जी की कुछ रचनाएं हमें हमारे सूक्ष्म शरीर व हमारे कुंडलिनी के बारे में गहरी तरीके से बताते हैं। ईड़ा पिंगला अवरु सुखमना पौनी बंदी राहगौ चंदु सूर द्विसं करी रखौ ब्रह्म ज्योति मिली जागौ। यह पूरा सहज योगिता है जिसका ज्ञान व बोध वो हमें कराना चाहते थे। श्री माता जी ने भी कई बार अपनी अमृत वाणियों में संत नामदेव जी के बारे में बताया है कि वो एक महान संत थे जिन्हें श्री गुरु नानक जी भी मानते थे। श्री माता जी ने उनके बारे में एक किस्सा भी बताया है, निर्गुणाची भेटी आलो सगुणाशी, कि कैसे उन्होंने कुम्हार जाति के एक गोरा में चैतन्य को साकार रूप में देख लिया था। संत नामदेव जी के जीवन व उनकी रचनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे महान थे हमारे संत। जुलाई 1350 पंढरपुर में भगवान की ही शरण में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे ही एक महान संत को हमारा शत शत प्रणाम। जय श्री माता जी। माता जी, मेरा नाम रुक्मिणी है और मैं पुणे बाल शक्ति से हूँ। आज मैं आपको संत तुकाराम जी के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के भक्ति अभियान के 17वीं शताब्दी के कवि संत थे। तुकाराम जी का जन्म पुणे जिले में देहू नामक गांव में हुआ।
तुकाराम जी अपने अभंग और भक्ति कविताओं के लिए ही जाने जाते हैं। उनकी कविताएं विठ्ठल और विठ्ठला को ही समर्पित होती थी। जब वह 18 वर्ष के थे तब उनकी माता पिता ने उनका साथ छोड़ दिया था। उनके माता पिता का जब देहांत हुआ तब उनके ऊपर कई ऐसी मुसीबतें आई, लेकिन वह अपनी भक्ति की वजह से उन मुसीबतों का हल निकाल पाए। तुकाराम जी की कई ऐसी भक्ति में कहताएं हैं जिनमें से आज मैं आपको एक सुनाने वाली हूँ। तुकाराम जी की एक आदत थी कि वह गरीबों में सब कुछ अपना दान करते थे, और एक दिन ऐसी दान करते करते उनके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। तो उनकी पत्नी ने उनको बोला था कि खेत में गन्ने हैं, वो ले आए, उससे आज का गुजारा तो हो ही जाएगा। तो जब संत तुकाराम जी वो गन्ने लेके वापसी में घर जा रहे थे, तब रस्ते में कई ऐसे लोग आए थे जो उनसे गन्ने मांग रहे थे। वो सबको एक एक गन्ना देते देते जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सिर्फ एक ही गन्ना बचा था, जो कि उन्होंने अपनी पत्नी को खिला दिया। और तुकाराम जी की कई ऐसी और कहानियां हैं, लेकिन उनके बहुत सारे सुंदर अभंग भी हैं, जिनमें से आज मैं आपको एक सुनाने वाली हूँ। जिथे जाथो तिथे तू माझा संगाती। इसका अर्थ ये है कि हम जहाँ भी जाते हैं भगवान परमात्मा हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो अगर हम इसीलिए हम अगर हमारी चित सहस्त्र पे डालेंगे तो उससे हमारा जो चित का जो बैलेंस रहता है वो मेंटेन रहता है, और उसकी वजह से श्री माता जी हमारे साथ हर पल हर क्षण रहते हैं। जय श्री माता जी। माझे नाव भावेश वारके भोसरी येथे राहतो। आज मी आपणा सर्वांना संत चोखामेळा यांच्याविषयी काही माहिती सांगणार आहे। संत चोखामेळा यांचा जन्म अत्यंत गरीब घरात झाला होता। ते मोल मजुरी करून त्यांचे घर चालवत असत व त्या काळातली लोक त्यांना खूप त्रास देत असत। तरीही संत चोखामेळा विठ्ठलाचे व पांडुरंगाचे ध्यान व नामस्मरण करीत असत। संत नामदेवांनी त्यांना ध्यान व पांडुरंगाचे नामस्मरण करण्यास सांगितले। संत चोखामेळा ध्यान व पांडुरंगाचे नामस्मरण करत असताना ते अभंग म्हणू लागले। हे त्यांच्या पत्नी सोयराबाई यांना लक्षात आले। त्या चोखामेळा यांना म्हणाले, आवो तुम्ही तर अभंग म्हणू लागले। संत चोखामेळा म्हणाले, संधी पांडुरंगाची कृपा आहे। त्यावेळी संत चोखामेळा यांनी अनेक अभंग रचले व लोकांना अध्यात्माचे ज्ञान दिले। असे श्री माताजींचे कृपा आपल्या सर्वांवर आहे। आपणही सतत देवाचे नामस्मरण व ध्यान केले पाहिजे। आज मी आपल्या सर्वांना अजून एक अभंग म्हणून दाखवतो। आम्हा नकळे ज्ञान नकळे पुराण वेदांचे वचन नकळे आमा। अजून एक खूप सुंदर अभंग आहे, आनंदी वाजवावे टाळी विठ्ठलाचे नाम घ्या वेळोवेळी। याचा अर्थ असा लागतो की आपण सर्वांनी संसारात सहस्त्रारात चित्त ठेवून राहिले पाहिजे व देवाचे नामस्मरण केले पाहिजे। जय श्री माताजी। ज्ञानेश्वर महाराज भिक्षा गोळा करायला जायचे, तिथेही त्यांना फार त्रास देण्यात आला।
कोणी त्यांच्या जोडी छीन टाकायचं तर कोणी त्यांची धुळीस फाडायचं. इतका त्रास त्यांना देण्यात आला, इतका त्रास त्यांना सहन करावा लागला. एकदा तर काही लोक संत ज्ञानेश्वरांना फारच वेडावाकडा बोलले. त्यांना काय करावे सुचेना. ते घरी आले आणि दार लावून आपला स्वतःला कोंडून घेतलं. तेव्हा मुक्ताई म्हणाल्या, ताटे उघडा ज्ञानेश्वरा ताटे उघडा. असं दुःखी कष्टी होऊन कसं चालेल, जगाचं कल्याण कोण करेल. आपल्या बहिणीचा उपदेश ऐकून ज्ञानेश्वरांना हुरूप आला आणि आपलं सर्व दुःख विसरून ते कामाला लागले. त्या काळात चांगदेव महाराज नावाचेही फार मोठे तपस्वी होऊन गेले. त्यांनी 1400 वर्ष तपस्या करून अनेक योगसिद्ध्या प्राप्त केल्या, पण ते फारच अहंकारी होते. ज्ञानेश्वर महाराजांची कीर्ती आणि त्यांचे चमत्कार ऐकून त्यांना संत ज्ञानेश्वरांना भेटण्याची इच्छा झाली. ते वाघावर बसले, हातात सर्प घेऊन अगदी तोरामोरात निघाले. संत ज्ञानेश्वरांना कळले की स्वतः चांगदेव महाराज त्यांच्या भेटीला येत आहे. ते आपले भावंडांसह भिंतीवर बसले आणि चमत्कारच झाला. भिंत आपोआप चालू लागली. संत ज्ञानेश्वरांना चांगदेव महाराज वाटेतच भेटले. हे दृश्य बघून चांगदेव महाराज आश्चर्यचकित झाले. हे बघताच चांगदेव महाराज ज्ञानेश्वर महाराजांना शरण आल्याने म्हणाले, तपश्चर्येची योग सिद्धीची आणि सर्व जीवसृष्टीवर सत्ता चालवण्याची मला घमेंड होती, पण दगडा मातीसारख्या निर्जीव वस्तूंवरही सत्ता चालवण्याचं माझ्यात सामर्थ्य नाही. मी चुकलो, आपल्याला ओळखण्यात मी चुकलो, मला क्षमा करा. आणि अशा प्रकारे संत ज्ञानेश्वरांनी चांगदेव महाराजांचा अहंकार तोडला. संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी अनेक ग्रंथ लिहिले, ज्याच्यात अमृतानुभव, चांगदेव पाषष्ठी आणि हरिपाठ सामील आहे. आणि त्यांनी वयाच्या अवघ्या 15 वर्षी एक सर्वात महान ग्रंथ लिहिला, त्याचे नाव ज्ञानेश्वरी. ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिहिण्यामागचा एकच उद्देश होता की जगाला भक्तीचा सरळ आणि सोपा मार्ग कळावा. असं म्हणतात की ज्ञानेश्वरीतील एक तरी ओवी अनुभवावी. कशी अनुभवावी बरं? तर अगदी सोपा आहे. त्यात ज्ञानेश्वर महाराजांनी कुंडलिनी शक्तीचं वर्णन केलं आहे. ही शक्ती जेव्हा जागृत होते तेव्हा आपल्या हातांवर आणि टाळू भागावर आपल्याला थंड चैतन्य लहरीचं जाणीव होती. श्री माताजींनी अगदी सहज आणि सोप्या भाषेत हे अनमोल ज्ञान आपल्याला दिले. चला तर मग कुंडलिनी शक्ती जागरणातून सहज धर्म म्हणजे विश्व निर्मल धर्म स्वीकारूया. जय श्री माताजी.